ऑलराइट, तो आज हमारा पॉडकास्ट बहुत ही बेहतरीन होने वाला है क्योंकि आप लोगों को चाहिए था एक हॉरर पॉडकास्ट और मैं आपके लिए लेके आया हूँ वही, और बड़ी मुश्किल से मैंने अरेंज किया शमी भाई को। तो शमी भाई, सबसे पहले तो क्या हालचाल चल रहा है? बस बढ़िया, काम के ऊपर प्रेशर है इस टाइम, इसलिए टाइम नहीं निकल रहा। टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, लेकिन आज तो आपने टाइम निकाला, तो आज हमें किससे सुनने हैं आपके? स्पेशली जो लास्ट पॉडकास्ट हुआ था मेरी, आपने बताया उसके बाद कुछ आपके पास एक किसी का फोन आया था, तो आप उसके बारे में बताओ क्या था वो? वो लास्ट पोस्ट का जो हुआ था उसके बाद क्या होता है, मुझे एक फोन आता है उधमपुर से। जी, उधमपुर आगे चनैनी पड़ता है, चनैनी के ना अपोजिट पहाड़ है जो उधर का छोटा सा घर था उस पहाड़ के ऊपर, वहां से मुझे फोन आया। अच्छा, वही जाने के लिए भी मतलब इतना टाइम लगेगा कि तुम्हें 3-4 घंटे तो लग ही जाएंगे, ऊपर से वो पहाड़ चढ़ना है। अच्छा, तो वहां पे मुझे एक केस आया था कि वहां पे एक लड़का है, वो काफी टाइम से बेड पे ही है, ना उठ पाता है ना चल पाता है, वो बेड पे ही खाना बेड पे ही मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ करना। ओके, तो उन्होंने बोला कि आप अगर आ सकते हो तो एक बार वहां पे आके देख लो क्या मतलब यहाँ पे क्या चक्कर है, बच्चा कब से मेरे लेटा ही हुआ। मेरे पास टाइम नहीं था, मैं तो काफी टाइम से उनको कह रहा था कि यार डिले हो जाए या किसी और को देख लो, मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो कुछ नाउन थे जो बीच में थे, उन्होंने फिर मतलब कि ज्यादा फोर्स किया कि एक बार तुम विजिट कर लो, देख लो कि है क्या, बाकी देख लेंगे किसी और से जो भी जैसे तुम हो। मैं ठीक है, मैं उनके घर पे गया था फिर शाम के टाइम, इसी टाइम पहुंचा था उनके घर पे। तो उनकी फैमिली में सिर्फ था कि उनके भाई भाई था, एक लड़की थी, एक उसका भाई था और एक लड़का था, उसकी बीवी थी, वो बीवी इतनी छोटी की कम से कम 20-21 साल की, तो क्या है इतनी जल्दी शादी करवा दी, और उनके फादर थे और उनकी फादर की माँ थी, बच्चों की दादी। तो जो मुझे फोन कर रहा था कि भाई वो एक्चुअली मेरा ही कुलीग है, यूरेका गया हूँ यहाँ के आया उधमपुर के, उन्हीं के गाँव में गया था। तो उन्होंने फोन किया था कि भाई बड़ी फोर्स किया कि यार एक बार आके विजिट कर ले, देख ले क्या प्रॉब्लम है, कि ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है या कुछ और ऊपर इसको है। तो उनके कहने पे हम अपने कुलीग है, तो उनके कहने पे मतलब कि वो ना भी नहीं कर सकते। तो मैं उनके घर पे गया, वो मुझे लेके गया, जब मैंने रास्ता देखा मतलब ये तो रास्ता मुझे जहाँ पे लेके जा रहा है मैं वापस घर कैसे पहुंचूंगा, ये तो बड़ा पहाड़ के ऊपर चढ़ो, इतने बड़े बड़े पत्थर हैं उसके ऊपर चढ़ो, खेत उधर। तो चलो उनके घर पे पहुंच गए, उनके घर पे पहुंचने के बाद तो मैं जैसे मतलब कि उन्होंने चेयर लाई तो बाहर बैठे हुए थे, मैं पहले तो बैठा नहीं, उन्होंने उनके पानी शानी लाया तो मैं चेयर पे बैठ गया था। तो मैं देख रहा था कि उनके फादर है, एक बच्चा बेड पे लेटा हुआ है और दो लड़कियां कमरे के अंदर जाती है, वो कमरे वो घर ऐसा था कि मिट्टी के प्रॉपर है, ऐसे माने घर मिट्टी के घर है और वहां पे सिर्फ दो ही कमरे थे, एक मिट्टी का कमरा अपोजिट था सामने वाले साइड, एक था लेफ्ट साइड, और उन्होंने उसके बिल्कुल सामने किचन राइट साइड पे किचन, और कमरे भी ऐसे नहीं नॉर्मल कमरे नहीं, लंबे लंबे कमरे होते हैं, बड़े बड़े लंबे कमरे। तो ऐसा था, तो मैंने क्या किया ना का वेट करो, तो मैं मुझे ना देख लेते उनकी एक्टिविटी क्या था, कुछ हुआ तो इनमें दिख जाएगा। मैं बच्चे को देख रहा जो बैठ पे लेटा हुआ है, आराम से लेटा हुआ है, ना कुछ बोल रहा है ना कुछ, सिर्फ देख रहा है अभी मुझे। उसके बाद नोटिस किया वो जो दो लड़कियां थी, मुझे नहीं पता था पहले कौन है, तो मैंने देखा दो लड़कियां हैं, वो मुझे देख के अंदर चले गई, कमरे के अंदर चले गई, साथ में एक लड़का और अंदर चला गया। ठीक है, मैंने देखा उसका फादर जो है लड़के के वो बाहर बैठे हैं और उसकी दादी मेरे साथ बैठी, और जो लड़का मुझे लेके गया हुआ था जो क्लीग थे मेरे वो लेके गए थे, वो भी बैठे हुए, हम 5 जने बाहर थे। तो मैंने कहा यार टाइम हो रहा है, भैया को इशारा मारा, भैया मेरा जो सामान है वो मुझे ला दो, तो उनको कह दो कमरे में ना गद्दी लगा दो, मैं बैठ लगा दूँ देख लेता हूँ, मैं जल्दी जल्दी देख लो वापस घर। मैं ठीक है, तो उनके घर पे जैसे ही मतलब कि रूम के अंदर उन्होंने गद्दी शद्दी लगाई, तो मैं जैसे ही बैठा तो मैंने कहा मुझे ना अपने सब जितने भी पर्सन हो सारे अपने अपने नाम लिखवा दो यहाँ पे, मैं पेन कॉपी लिए राइट डाउन करवा दो अपने नाम, मैं देखता हूँ फिर आप बाहर चले जाओ, तो मुझे टाइम दे दो बैठने का, तो मैं बैठ के देखता हूँ क्या क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो अंकल थे जिनके उसके बच्चे के फादर थे उन्होंने अपना नाम लिखवाया, अपनी मदर का नाम लिखवाया, जो बच्चा बैठ पे था उसका नाम लिखवाया, दो लड़कियों का नाम लिखवाया,
मैं बोल रहा हूँ अच्छा वो जो लड़का अंदर गया था उसका नाम ही तो कहते कौन लड़का है मैं शौक मैं कौन लड़का है तो मैं जो मुझे लेके आया मैं उसको भी बोल रहा हूँ मैं यार जब हम आए थे बैठे हुए थे चेयर पे तो दो जब ये दो लड़की अंदर गई थी कमरे में एक लड़का और गया था उसका नाम कहते कौन गया मैं फिर शौक में ये कर क्या रहे हैं ये मुझे समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है फिर मैंने वो दो लड़कियां थी वो सामने थी मैंने जब तो आप दोनों अंदर गए थे आपके साथ एक लड़का अंदर गया था वो लड़का कौन था कहती भैया हम तो सिर्फ और दो ही अंदर गए मैं परेशान हो गया भैया ये क्या सीन है नहीं वो मुझे लड़का दिखा है सभी बाहर से आया सबके बीच में से अंदर गया है सब बाहर बैठे हैं मुझे दो लड़कियां अंदर जाती है उनके पीछे से वो लड़का जाता है मुझे दिख रहा है सबके बीच में से गए इनको इनको पता ही नहीं है परेशान हो गया मैं कहा एक बात बताओ आपके बेटे कितने हैं कहते हैं दो थे एक एक्सपायर हो गया मैं कहा अच्छा मैं कहा फोटो है उसका मैं जैसे फोटो दिखाया वो लड़का अंदर गया मैं परेशान नहीं किया था सेम वही लड़का था तो फिर मुझे थोड़ा सा समझ आया कि एक्चुअल में वो जो मर गया वो लड़का वो वापिस आया हुआ अच्छा फिर उसके बाद है कि आप सारे बाहर चले जाओ कमरे के मुझे अकेला छोड़ दो मैं अकेले अपना ध्यान शायद लगाऊंगा जो भी चीज होगी मेरे सामने आ जाएगी मैं देख लूंगा कौन है कौन है तो सारे के सारे उनको कमरे से बाहर निकाल दिया वो खुद बैठा तो फिर पता चला कि वो जो लड़का है उस जब वो मरा था वो नेचुरल मौत नहीं थी किसी का किया गया हुआ था उसकी वजह से मरा था जो उसके साथ चीजें थी जिस चीज से वो मरा था उसके साथ साथ वो भी चीजें वापस आई अच्छा तो वो चीजें उस दूसरे वाले बच्चे में अटैक कर पूरे परिवार में क्या हुआ था परिवार में नहीं था उसी लड़के में था बट वो वापिस आया हुआ है वो लड़का वापिस आया था उसके साथ जो चीजें हैं जिस जो चीज उस पर फेंकी थी जो बॉन कह सकते हैं हम कुछ भी फेंका हुआ है वो चीज भी वापिस आई हुई है तो वो चीज जो है वो छोटे वाले को पकड़ा हुआ है उसने तो मैंने उनको कहा कि ये जो अच्छा तो उनको पता था क्या कि उसकी फैमिली को पता था कि इसकी नेचुरल डेथ हुई है कि नहीं हुई उनको पता ही उनको पता ही नहीं था उसकी डेथ कैसे हुई थी यही ऐसे ही बीमार हुआ था अचानक बीमार हुआ था डेथ हुई उनको लगा कि ये नेचुरल डेथ है नेचुरल डेथ लेकिन वो ऐसे हुआ था और यहाँ पे ये बंदा उसको बचा रहा होगा मैंने कौन सा नहीं 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 वो चीज देखो ना जो चीज चली गई है ना वो ट्रेन जुड़ी में आती है वो फिर घर वाला कुछ नहीं सीन करता अच्छा उसमें घर वाला सीन ही नहीं होता वो चीज आती है कि वो भटक रही होती है अब जाएगा अब वो चाहती है मोक्ष वो आएगी घर पे ही अब वो सबको तंग करेगी अच्छा कि मुझे देखो वो इसलिए करेगी क्योंकि अगर तो वो तंग ही ना करे तो घर वालों को पता कैसे चलेगा कोई आया वो मानेगी कैसे ये चीज भी होती है तो वो चीज का मैंने देखा मैंने उनको बोला कि ये केस जो है ये लंबा चौड़ा चलने वाला है ये कोई नॉर्मल नहीं है कि अभी ऐसे किया तो कुछ भी बना के दे दिए खत्म हो जाएगा इसके लिए आपके घर में हवन करवाने पड़ेंगे इन चीजों को निकालना पड़ेगा पहले फिर जो आपका जो बेटा आया हुआ है उसको गति करवाने पड़ेगी उसका मोक्ष करवाना पड़ेगा ये उस हिसाब से चलेगा तो चीज नेगेटिव उसके साथ आई है जिसने उसको लिया लेके गई है उसको उसको अलग करना पड़ेगा फिर उसके बाद हमको बोला कि कहते कि ना अच्छा ये सीन है कन्फर्म नहीं थे वो कहते यार बड़े लोगों को दिखाया हमने तो क्या पता ये भी करते हैं लोग समझते हैं कि यार हर एक ऐसे ही पड़ी है मारना तो मैंने क्या किया मैंने उनकी जो जिसके साथ शादी हुई थी उस लड़की की उस लड़की जिसके साथ शादी हुई थी उस लड़की को बुलाया मैंने फिर उसको भेजी उस लड़की से बात की मैंने कहा तुम्हें कभी दिखा हो या कभी महसूस हुआ कि वो ऐसे मतलब कि आया हुआ है या कुछ भी कहते हाँ मुझे लगता है जैसे हमारे रात को सोते हैं तो मुझे लगता है वो आए हुए हैं आवाज मारते हैं दरवाजा खटखटाते हैं तो मेरे नाम से मुझे बुलाते हैं है। तो मैं उस टाइम श्योर हो गया कि नहीं यार ये वही चीज है शायद ये समझे या नहीं समझे बाकी इन पे डिपेंड करता है ये काम करवाए नहीं करवाए तो मेरा काम था बताना कि आपको ये प्रॉब्लम है और इसी की वजह से ये हो रहा है अच्छा और कोई प्रॉब्लम तो फिर उसके बाद मैं आ गया था उसके बाद कह रहे थे फिर से ये केस को मतलब कि आप करो मैंने कहा इतना दूर का सफर है ये केस आराम से ही होगा या तो आप मेरे पास आ जाओ तो मैं अगर आऊंगा तो मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं क्योंकि मुझे अपनी जॉब का भी देखना है थोड़ा बहुत ऐसा भी था या मेरे गुरु जी के पास चले जाओ मैंने अपने गुरु जी का टच दिया अच्छा तो
अब उनके बाद उन्होंने आगे क्या किया क्या नहीं किया, प्रोसेस अभी भी चल रहा है उनका, ठीक नहीं हुआ वो बच्चा, प्रोसेस चल रहा है, अब ये नहीं पता वो कहाँ पे क्या कर पा रहा है ये चीज। तो ऐसी चीजें मतलब कितनी पावरफुल होती है कि वो वापिस आके देखो कोई भी चीज, अगर इंसान जो है ना अगर अपने टाइम से गया हुआ है वो सीधा आगे चला जाता है, अगर वो अपने टाइम से नहीं गया हुआ उस लोग में भी उसकी जगह नहीं, उस लोग में तो नहीं गया, उस लोग में भी उसकी जगह नहीं है, वो धरती पे भटक गई। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो तो गया उसके साथ वो चीजें पीछे आ गई उसको, ये बिल्कुल अगर कोई भी उसका मकसद पूरा होगा तो ऐसे नहीं थी वो चीज चली जाती, या मकसद ही कुछ और, ऐसा कुछ नहीं होता। जब कोई चीज किसी इंसान को लेके जाती है तो उसकी रूह अपने कंट्रोल में रखती है वो। अच्छा देखो ना उसमें इतनी पावर है वो उसको मार सकती है, तो उसकी रूह को कंट्रोल में रखेगी ना, जहां जहां वो जाएगी या जहां जहां वो इंसान जाएगा या उसकी आत्मा जाएगी वहां वहां वो भी होगी। अच्छा कभी भी कहते हैं जैसे देवते में देवतों की बात ले लेते हैं, देवतों की हत्याओं की बात ले लेते हैं, जब भी देवते घर पे एंटर करते किसी को तो कहते हैं हमारे घर पे देवते जी आए हुए हैं, अब हमारे घर पे स्थान बनाना पड़ेगा, या कोई हत्या आई हुई है हमारी दादी की है, मेरी बहू जी की है, बेटी की है, किसी की कोई भी अगर आती है वो प्रेत चुनी हुई है उसके साथ कोई ना कोई चीज आएगी। तो कोई भी चीज अगर मनानी पड़ती पहले उसके पहले हमें उसका जो भी चीज हो उसको दूर करना पड़ता है, फिर उसको स्थान देना पड़ता है, मतलब पहले प्रेतों को निकालना पड़ता है, फिर जो पहले नेगेटिव चीजों को निकालना पड़ता है फिर ही पॉजिटिव चीज बैठे। तो इसमें जैसे कि कोई नेगेटिव चीज होती है, मैंने ये भी सुना हुआ कि नेगेटिव चीज जैसे कई लोगों की पीछे आ जाती है, जैसे चिकन विकन हुआ कोई लेके जा रहा है, हमारे साथ जैसे किस्सा हुआ है, मेरे साथ नहीं हुआ, मैंने किसी ने सुना था कि वो गाड़ी में चिकन लेके जाता वो शायद अमावस्या रात की वहां से आना है तो उसी गाड़ी में ठंडा ठंडा होने लग रहा। देखो ऐसी चीजें पीछे आ जाती है, बिल्कुल आती है। चिकन आप तो चिकन की बात कर रहे हो, चिकन क्या मिठाई की, मिठाई है, मिठाई बिल्कुल मिठाई है, उसके बाद तली हुई चीजें पूरी हो गई, अच्छा पकवान हो गए, उसके बाद इत्र हो गया, खुशबू ज्यादा हो, अच्छा हाँ। ये चीजें जो होती है ये प्रेत जूनी को बड़ा जल्दी अट्रैक्ट करती है। अच्छा किस्सा है आपको? हाँ बिल्कुल है, बताओ बताओ। तो मैं पहले ये बता देता हूँ, ये अट्रैक्ट करती है इससे, इनको ना कहते हैं ना कि जैसे हम इंसान रोटी खाते हैं, ये प्रेत जूनी अपना पेट कैसे भरती है बिल्कुल से। अच्छा इनका तो चिकन वो खाती नहीं है, खाती नहीं है, उनका जो पूरा का पूरा उसके अंदर होता है ना, जैसे कहते हैं ना हम कभी वाशना, हाँ वाशना, जैसे हम कभी कहते हैं मंदिर में जाके फूल चढ़ाते हैं, वो फूल उठाते हैं उसकी खुशबू लेते हैं, वाशना देते हैं, धूप धूप अगरबत्ती लगाते हैं उसकी वाशना उनको चढ़ती है, कोई भी मिठाई चढ़ाते हैं जब पकवान बनाते हैं उनकी वाशना से वो चीज देते हैं। वाशना जो है ये जम्मू का वर्ड है भाई, तो ये सुगंध जिसे कहते हैं, सुगंध बोलते हैं, ठीक है, उनसे ये चीजें पेट भरती है, वो खुश होती है और अट्रैक्ट होती है। तो दोस्तों ये था हमारे वीडियो का पार्ट वन, इस वीडियो के पार्ट टू के लिए आपको इस चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, और ऐसी गुफी और हॉरर पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल आए परिवर्तन को देखते रहें। सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग।